आज बहुत ज्यादा ही अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तबीयत सी ठीक नहीं लग रही है मेरी, आंखें वगैरह। तो देख, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं आज काफ़ी जल्दी उठ चुकी हूँ क्योंकि इनको जाना है न्यूयॉर्क, इनकी दूसरी मीटिंग है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ इनके लिए चाय, नहा वगैरह ली हूँ और जल्दी उठ गई तो जल्दी सारे काम हो गए। तो बस अभी इनके लिए चाय बना रही हूँ, उनको चाय देते हैं और ये निकलेंगे अपने ऑफिस के लिए। फिर बच्चे उठेंगे, बच्चे रेडी होंगे, वो अपने स्कूल के लिए निकलेंगे, फिर मैं जाऊँगी अपने स्कूल के लिए। तो आज का दिन यहाँ से शुरू होता है और देखते हैं बाकी का दिन कैसा जाता है। तो स्टे ट्यून और बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया, जय माता दी, एंड शुरू करते हैं आज का दिन। तो गाइस, ये बन चुकी है चाय ब्रेड हमारी और यहाँ बच्चों का कर रहे हैं नाश्ता पैक। और ये आ गए, हेलो से गुड मॉर्निंग, ये आ चुके हैं, बस इनको जाना है ऑफिस, सब इनका रेडी हो चुका है। और यहाँ बच्चों के लिए हमने सब कुछ रेडी करके रख दिया, इनका लंच और ये हमारी चाय हम पीते हैं। बस अब ये निकलेंगे अपने काम पे और थोड़ी देर में मैं भी रेडी होके निकलूंगी अपने काम पे। तो पीते हैं अभी चाय। गाइस बस अब जा रहे हैं काम पे लिए, सब रेडी हो गए, बच्चे चले गए, ये भी अपना चले गए और मैं भी सब कुछ काम करके अब निकल रही हूँ काम पे। और ये देखिए थोड़ी सी ठंडी की वजह से गाड़ी में क्या हो रहा है, फॉक्स ही है, बट आप लोगों के लिए स्माइली। और स्टार्ट करते हैं आज का दिन, दिन अच्छा है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। ऐसे दिन मेरा बहुत देर पहले शुरू हो गया पर एक मुझे आदत सी पड़ गई है और जो मेरा पूरा दिल का रूटीन होता है। तो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी 5 बजे, इस वजह से काफ़ी सारे काम मैंने कर लिए, बहुत सारे काम मेरे फिनिश हो गए, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो अब निकलते हैं स्कूल के लिए। तो गाइस बस पहुंच चुके हैं स्कूल और अब निकल रहे हैं स्कूल के लिए, बोलते हैं फिर से एक बार जय माता दी। तो गाइस स्कूल तो पहुंच चुके हैं और एक चीज़ सीखी है कि सुबह उठ जाओ तो सारे काम हो जाते हैं। हम मिस्टर रसल अपनी जॉब कर रहे हैं, यू आर डांसिंग, लुक इट मिस्टर रसल इज डांसिंग, से मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सी यू, बाय। ये कुछ भी हो अपनी ड्यूटी पे काम पे आ जाते हैं एंड आई एम वेरी, और म्यूजिक चला के काम करते हैं और ये सबसे अच्छी बात है। अब देखिए कहते ना, अपना कोई भी काम करो पूरे दिल से करो और ये हर किसी से हमें सीखना चाहिए। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ काम पे और आपसे मिलेंगे काम पे। बस अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, काम हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ कुछ स्पेशल कराने क्योंकि मैं थक गई हूँ और आज मुझे हाफ डे भी है, तो मुझे लग रहा है कुछ अपने लिए स्पेशल करते हैं। तो चलिए देखना चाहते हैं क्या स्पेशल है। काम के बाद मैं आ गई थी पेडिक्योर कराने के लिए क्योंकि बहुत दिन हो गया था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और आज लकली मेरा हाफ डे था और घर पर भी कोई नहीं था, तो मैंने कहा चलो पेडिक्योर कराते हैं। पर आप देख सकते हैं यहाँ पेडिक्योर नहीं, कम से कम 636 चीज़ें मेरे पैरों पर लगा दी गई हैं। आई डोंट नो, ऐसा लग रहा था कि मैं एक ऑपरेशन थिएटर में हूँ और पता नहीं क्या क्या हो रहा है पैरों के साथ। अच्छा लग रहा था बट एट द सेम टाइम इट्स लाइक अ प्रोसेस, मतलब काफ़ी सारा आजकल काम होता है पैरों की सफाई के लिए भी, आप देख सकते हैं, कभी ये तो कभी पैरों में जेल लगाना, कभी नेल पेंट लगाना, वट एवर वर्ज दैट, बट आई डोंट नो, इट वाज अ प्रोसेस इट सेल्फ। बट उसके बाद नेल पेंट हुआ, उसके बाद मसाज दी गई थोड़ी सी, एंड इट वाज सो रिलैक्सिंग। एंड तो ऐसे ही फील हो रहा है जैसे मेरी सर्जरी चल रही है, यहाँ मसाजेस चल रहे हैं, बट अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट होने वाला है। और यहाँ पे भी मेरे हाथ देख सकते हैं, नेल्स होते हैं और उसके बाद मैं घर जाऊँगी, एक कप चाय पीऊँगी, मैं वेरी वेरी टाइम, बट मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मेरी हाफ डे, तो मैंने काफ़ी सारे काम कर लिए, घर में बच्चे आने वाले हैं, उनको खाना देंगे, चाय पियेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे और देखते हैं बाकी दिन कितना अच्छा जाता है, होपफुली अच्छा ही जाए क्योंकि ये तो न्यूयॉर्क गए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए इसको ड्राई करते हैं और बस यहाँ से निकलते हैं और फिर मिलते हैं। आ गई हूँ और अब घर जाने वाली हूँ, पर उससे पहले मैं सोच रही हूँ तो पेस्ट्री ले लूँ, यहाँ की पेस्ट्री शॉप बहुत अच्छी है, नई खुली है, तो आपको लेके चलते हैं वहाँ पे। आ जाइए, लास्ट टाइम ही टुक दिस वन जो ये लेके आए थे, बट मैं सोच रही हूँ मैं ये लेती हूँ, इट लुक्स सो यमी, इवन द केक्स यू कैन सी, पेस्ट्रीज ले लिए, अब जाते हैं घर। मैंने बच्चों के लिए लिए, अपने लिए तो ली भी नहीं है क्योंकि मैं तो ये सब खाऊंगी नहीं, इतना शुक्रिया, एक सिप आई मीन एक स्पून खा लूँगी, बट आई टुक इट फॉर माई किड्स, स्कूल से आएंगे, मुझे लगता है कि मैं, पता है मुझे मेरे पापा जैसी आदत है, जब मेरे पापा काम से आते थे तो वो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे, मतलब हमारे लिए, तो आई थिंक मुझे ये आदत उन्हीं से आई है। तो मैं जब भी घर से आती हूँ या कहीं पर भी गई हूँ तो मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेती हूँ, एंड आई थिंक इट्स अ गुड हैबिट, अगर आपको भी
है तो बच्चे खुश हो जाते हैं, ज्यादा तो कुछ नहीं, ना भी खुश हो तो हमारा तो जो काम है वो तो हम करेंगे। तो चलिए अब निकलते हैं घर, घर में बनाते हैं चाय और बच्चों को देखते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, देखते हैं बाकी दिन कैसा जाता है। बन गई है गरम गरम पूड़ी छोले और कर्ड, बच्चों के लिए आज मैंने बनाई थी पूड़ी छोले। और यहाँ नीतू आ गई, हाय नीता, चलो बेटा आ जाओ खाना खाते हैं। बस बच्चों को खाना खिलाते हैं और मेरी चाय भी बन रही है, फिर एंजॉय करेंगे। अभी तो मुझे रेस्ट नहीं है, अभी टिया को लेके भी जाना है मुझे, पहले तो इन्हें खाना दे देते हैं। आ जाओ बेटा। तो गाइस अभी शाम के 5 बज चुके हैं और अभी टिया की अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट की, बिकॉज उसके ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो आई हैव टू गो देयर। अभी मैं उसको लेके जा रही हूँ और बस अभी शाम का यही है। आज बहुत ज़्यादा सो गई थी, बस सो रिलैक्सिंग, बिकॉज समटाइम्स यू नीड दैट, सोना भी बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। तो बस अभी निकलते हैं मैं और टिया और फिर आपसे मिलते हैं। मैं वापस आ गई हूँ, इट वॉज सच अ क्विक डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट, क्योंकि उसके टीथ में कुछ निकल रहा था, वो गई और जल्दी से होके आ गई और मैं घर वापस आ गई हूँ और अब जाके चाय पीती हूँ। यार मैं बहुत ज़्यादा आज, बहुत दिनों बाद, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तबीयत सी ठीक नहीं लग रही मेरी आँखें वगैरह, तो देखते हैं, होप थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और थोड़ा फील करते हैं बेटर, क्योंकि आज आपको पता ही है पति गए हुए हैं न्यूयॉर्क में और हम अकेले हैं बच्चों के साथ। तो बस चलिए बाकी शाम के जो काम होते हैं वो करते हैं, पहले तो हम चाय बनाते हैं, कुछ खाते पीते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज़ ये जो मैं लेके आई हूँ, आई थिंक मैं बच्चों को दे देती हूँ, सो यमी, एंड देयर इज़ अनदर वन हियर, सो वी हैव दिस टू, आई रिमेंबर आई बॉट दिस वन, सो आज बच्चों को देते हैं ये, लेट्स सी। तो गाइज़ अभी शाम के 6:30 बजे हैं और पिछले 2 घंटे से मैं किचन में हूँ और सच बताऊँ तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे लगता नहीं है मैं ब्लॉग को और आगे कर पाऊंगी, बट आई एम जस्ट स्टिल डूइंग जितना मुझसे हो पाए। और यहाँ पे मैंने बना दी है भिंडी और देखते हैं बच्चे भिंडी के साथ, तो यहाँ डिनर में हमने भिंडी भी बनाई है और चने वगैरह भी रखे हैं और साथ में मैंने राइस भी फ्राई किए हुए हैं। और यहाँ पे नीतू के लिए मैंने कुकुम्बर्स, शी लाइक्स इट, तो इट्स हेल्दी, बच्चों को थोड़ा ग्रीन सब्जियाँ देनी चाहिए बीच बीच में। बट अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरा तो आज डब्बा गोल लग रहा है, मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही अपनी, तो मुझे लग रहा है तो मैं ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर दूँ या फिर कंटिन्यू करने का तो मेरी कुछ वो नहीं लग रहा कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँगी अभी, क्योंकि सच में अब बस मैं जाके सोच रही हूँ कि मैं सो जाऊँ थोड़ा और देखते हैं मेरी तबीयत कैसी रहती है, क्योंकि समटाइम्स दिन तक थोड़ा ठीक था, शाम तक भी ठीक थी, शाम तक थोड़ा सरदर्द शुरू हो गया मेरा। एंड अभी थोड़ा रेस्ट करती हूँ, काम तो मुझे करना था क्योंकि घर पे नहीं है, नहीं तो इनसे हेल्प हो जाती है मुझे, बट टुडे आई एम रियली टायर्ड। और बस आई थिंक इस व्लॉग को मैं अभी यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ, मेरा कभी भी इतनी जल्दी व्लॉग मैंने कभी ख़त्म नहीं किया, बट ड्यू टू माई हेल्थ आई थिंक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग, तो इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ और बस जाके थोड़ा रेस्ट करती हूँ, तो उसके बाद ही आ जाएंगे। तो आप लोगों से मैं कल मिलूंगी और आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। तो गाइज इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपसे मिलूंगी कल और देखते हैं कल का दिन कैसा जाता है, होपफुली आई फील बेटर, इफ़ नॉट देन आई लेट यू नो टुमारो। बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ, दिल से मेहनत कर रही हूँ और अब शायद आप लोगों को मेरी मेहनत दिखती भी होगी, बट मेहनत कंटिन्यू है, देखते हैं, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, अगर आप लोग अपना प्यार देंगे तो आई थिंक इस मेहनत को, कहते हैं ना मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती। तो बस इसी के साथ अब इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, आपसे मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, अपना अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं कल।